सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलमजन भाई। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आप सबको 76th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामना, ठीक है। क्योंकि वैसे तो कल है, लेकिन शायद आज वीडियो नहीं आएगी, मतलब कल शायद वीडियो नहीं आएगी, और क्या पता आप ये वीडियो भी कल देख रहे हो। तो डेट्स वाई भाई पहले सेलिब्रेट करने का मतलब बनता है, बाद में सेलिब्रेट करने का नहीं बनता। तो भाई आज की जो रिएक्शन वीडियो थंबनेल टाइटल से पता लगी होगी, ये हम गाना क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब पे एक पोल डाला था कि भाई सिद्धू मूसेवाला पाजी का रिएक्शन करने का मन कर, और उसमें मैंने 5 ट्रैक्स दिए थे जिनमें से आप सबने सबसे ज्यादा वोट करे हैं 295 को, ठीक है। 295, वैसे तुम्हें अगर नहीं पता तो भाई 295 एक धारा है, आईपीसी की धारा है हमारे इंडियन के संविधान में। उसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान या व्यक्ति, वैसे मैं एक्सप्लेन करना चाहिए, चलो जो अगर जिसे नहीं पता उसके लिए कर ही देता है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक के ऊपर बात उठाता है, अपनी बात रखता है, या फिर किसी के धर्म के ऊपर बात उठाता है, मतलब समझ रहे हो ना क्या, मतलब उल्टा बोलता है या फिर उसको डिफेम करता है, तो उसके ऊपर आईपीसी 295 की धारा लग जाती है, जिससे 2-3 साल की शायद सज़ा और जुर्माना भी होता है, ठीक है। तो और यही गाना सिद्धू मूसेवाले ने, यही गाने का नाम का टाइटल रखा, और टाइटल का मतलब भी यही है सिद्धू मूसेवाला पाजी के नाम पर। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल RIP लेजेंड, ठीक है, हमेशा भाई याद रहेंगे दिलों में, और तुम्हें पता उनकी कमी कोई दूर नहीं कर सकता। और भाई जो मैं गाना रिएक्ट करूँगा वो ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो तो है, लेकिन वो पाजी के चैनल से नहीं है, वो किसी और के चैनल से उठा रहा हूँ। बिकॉज मैं इसका चैनल प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन उसने मतलब सब टाइटल जो है वो इंग्लिश में दे रखे हैं, तो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था ताकि मेरे को थोड़ा सा समझने में ईजी हो जाए, क्योंकि प्रॉपर पंजाबी, मतलब पंजाबी आ जाती है समझने, लेकिन प्रॉपर पंजाबी के वर्ड्स थोड़ा सा मतलब फिर मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो डेट्स वाई इंग्लिश के सब टाइटल है, लेकिन वीडियो तो वही है, तो इस वजह से अपन इस पर रिएक्ट करेंगे। तो भाई फालतू बातें नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सिद्धू पाजी के फैंस हो तो। प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में स्पैम करके बताना कौन कौन सिद्धू मूसेवाला पाजी का फैन है। और भाई अगर गाने में मैं किसी चीज़ का मीनिंग गलत बता दूँ या फिर कुछ गलत समझ दूँ, तो उसके लिए भाई आई एम सो सॉरी पहली। तो भाई रिएक्शन स्टार्ट करते राइट नाउ। सिद्धू मूसेवाला प्रेजेंट्स भाई, ये गाना मतलब उनकी डेथ के बाद बहुत ज्यादा उनके गानों को हाइप किया है। पुत तेरा हेड डाउन कास्टों चंगा भला हसदा सी मौन कास्टों आ जेड़े दरवाजे विच बोल चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्टों कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने। सम हेयर वांट टू पॉलिश देयर सिल्वर मीनिंग देयर वर्क, कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, गिराना चाहेंगे भाई। कुछ कन्ने आए इत्थे भुखे फेम दे तो ये है अपना मेन जो गाने का कोरस या फिर हुक कह सकते हैं, ठीक है। हेयर देयर इज कॉन्ट्रोवर्सी एवरी डे, मतलब यहाँ पे हमें कॉन्ट्रोवर्सी आए दिन मिलते हैं, और जैसे कि तुम्हें पता है भाई इंडिया में आए दिन धर्मों को लेके और जाति को लेके पक्षपात होते रहते हैं। हेयर डिस्कशंस आर हेल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम डिबेट मिलोगी, सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। अगर तू सच बोलेगा तो तेरे को 295 की धारा मिलेगी, मतलब अगर तू अपने धर्म के लिए सच बोलेगा या फिर सही के लिए लड़ेगा तो तेरे पीछे 295 लगाई जाएगी। जैसे कि अभी वो जो लेडी थी ना जिसने मतलब यार जो नेता भी रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अभी बीच में किसी को नाम याद आया तो बताना, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने मतलब अपने जो हिंदू धर्म है सनातन धर्म उनको लेके मतलब डिबेट करी थी दूसरे धर्म से लेके। तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, और उनके साथ भी यही हुआ कि उनको सब जगह से वो करना पड़ा। नित्य कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। अज कई विचौण सभ्याचार जुट के जणा खणा दिंदा ए विचार उठ के एवरीवन गेट्स टुडे मैनी पीपल्स आर वर्किंग टूगेदर टू सेव सिविलिटी, ठीक है इंग्लिश में, तुम्हें सबको सब टाइटल्स नहीं दिख रहे होंगे छोटा हुआ। तो टुडे मैनी पीपल्स आर वर्किंग टूगेदर टू सेव सिविलिटी, मतलब बहुत लोग काम कर रहे सिविलिटी अपनी बचाने के लिए। एवरी वन गेट्स अप एंड गिव स्पीचेस, मतलब सब खड़े होते हैं और सब अपना अपना भाषण देते हैं। ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਖੜ ਗਿਆ ਪੜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਅਖਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੇਦ ਖੋਲੀ ਦੇ
यार सॉरी पोस्ट के लिए, लेकिन सिद्धू मूसे वाले पाजी को हमने बहुत बार देखा है कि वो ऐसे गाने बनाते, लाइक अभी जो उनका रिसेंटली ट्रैक भी आया था, मेरे ख्याल से उस ट्रैक का नाम SYL था, जो कि शायद यूट्यूब से गुम हो गया है ना, मतलब ब्लॉक कर दिया गया था। तो मतलब हमने देखा है कि भाई वो अपने डिबेट करते हैं, और यही एक हिप हॉप का वैसे बोला जाए तो रियल मीनिंग है, ठीक है, कि असलियत बताना, सच्चाई बताना, हक के लिए लड़ना। क्योंकि हिप हॉप का मतलब जो जन्म है वो ही इसलिए हुआ था कि काले लोगों के लिए, वो सब तुम्हें पता ही होगा ऑलरेडी। तो बेसिकली यही एक प्रॉपर हिप हॉप, अगर तुम सही नज़रिए से देखोगे हिप हॉप रैप क्या है, तो या दिस इज प्रॉपर हिप हॉप। ओके, तो ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी बता रहे हैं जिसमें जॉन या स्टीव किसी के बच्चों का नाम था, वो मेरे को नहीं पता है यार। प्लीज़ अगर कोई प्रॉपर मतलब इस सिचुएशन को जानता है, स्ट्रैक के सिचुएशन को डालता है, जानता है, तो प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पे DM कर देना मेरे को, और मेरे को थोड़ा प्रॉपर समझा देना। जो बुरे लोग हैं वो नहीं आगे रखा जाता है, जो सच बोलता उसकी मार ली जाती है। डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी, आओ लोक वट्टे मार दे अपन दे रुखा ते करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। हे आर पीपल थ्रो स्टोन्स एट द फ्रूट ट्रीज, ठीक है, मतलब जो पत्थर थर मारते उनके बाद वट्टे मार दे अपन दे रुखा ते मिंटा विच पहुंच जांदे मामा मदर। ओके, कौन कुत्ता कौन दल्ला कंजरे है कौन इथे सर्टिफिकेट देन फेसबुक ते लीडर ब्राउन भाई लिटरली कह रहा हूँ। मैंने एक और वीडियो का देखा था, लेकिन वो मतलब सबटाइटल्स नहीं था, प्रॉपर हिंदी में उसने कन्वर्ट कर रखा था। भाई अगर तुम उस वीडियो को जाके देखो या फिर हिंदी मीनिंग अगर तुम्हें इसका पता है, तो ये और भी ज़्यादा सॉन्ग मतलब तुम्हें उतना ही ज़्यादा गूज बम देने लगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हें बूस्ट देने लगा, क्योंकि भाई इतनी पावर रहती ना सिद्धू मूसे भाई, वो हाथ में मतलब गोली भर भर के लिखते थे यार मेरे ख्याल से सिद्धू मूसे वाले बाजी भाई, तुम्हें पता है भाई उनकी राइटिंग, उनकी आवाज़, उनकी स्किल्स, उनकी वोकेबलरी, भाई ही इज़ लिटरली लेजेंड भाई। वो जाने से पहले भी लेजेंड थे, पूरे इंडस्ट्री में नाम था, बाहर नाम था उनका पूरे इंडस्ट्री में, और इतने कम सालों के इतनी ज़्यादा तरक्की, और जाने के बाद तो यू ऑल नो डैट, ठीक है। और जाने से पहले भी भाई, ये नहीं कि सिर्फ जाने के बाद ही हम इतना मान रहे हैं कि हाँ भाई सिद्धू मूसे वाले पाजी इतने बड़े आर्टिस्ट थे, ये वो ही इज़ लेजेंड, वो जाने से पहले भी लेजेंड थे, जाने से पहले भी भाई वो कोट रह गए, रह चुके हैं, ठीक है, तो नो डाउट भाई। सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी, तू हुण तक अगे तेरे दम करके फोटो नहीं खिचाउंदा कोई चम करके, कौन किन्ना रब च यकीन रखदा लोक करदे है जज ओहदे कम करके। भाई सही बात भाई, Who here so much believes in God? ठीक है, People judge by his work, मतलब यहाँ पे लोग सिर्फ उनके काम से पहचानते हो, उनके काम से उन्हें जज करते हैं, ठीक है। भाई यार पंजाबी या फिर सरदार ज़्यादा रिलेट करेंगे, यू हैव टर्बन्स ऑन योर हैट्स, आर यू बाल्ट, मतलब क्या लोग मतलब लोगों मतलब जो लोग होते हैं वो उन्हें मतलब जो पंजाबी और जो सरदार लोग नहीं होते वो जब मजाक उड़ाते किसी पंजाबी या फिर सरदार कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का, तो कहते हैं कि तुम अपने सर पर पगड़ी बांधते हो, क्या तुम गंजे हो, यू आर बाल्ड। मतलब बहुत चीजों से यार उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है यार, आई डोंट नो व्हाई, कोई कहता 12 बज गए, मतलब बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं वो सरदार तेरे पाजी तेरे 12 बजे, भाई अगर उन्हें उस 12 बजे का लिटरली मीनिंग भी पता हो ना,
भाई उन्हें खुद को शर्म आ जाएगी बोलने में। आप भाई अगर तुम्हें भी नहीं पता कि सरदारों को, भाई नो हेट टू, भाई मैं किसी कम्युनिटी को हेट नहीं दे रहा, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि भाई अगर तुम भी ने कभी इस जोक पे हंसा या फिर तुम भी ऐसा मजाक उड़ाते हो कि भाई तेरे तो 12 बज गए ये वो, किसी पंजाबी रिलीजन वाले बंदे खोल दो, तो ये प्लीज़ एक बार गूगल या फिर यूट्यूब पे जाके उस चीज़ का मतलब ढूंढना भाई। तुम आई बैट भाई तुम दोबारा वो चीज़ कहोगे भी नहीं, तुम प्राउड फील करोगे उस 12 बजने पे, ठीक है लिटरली भाई। यार वही बात है ना, इन्हें कुछ पता नहीं रहता, ये बस बोलते जाते हैं। पहले मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है, जब मैं सेवन्थ एट्थ क्लास में था, नाउ आई एम इन लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, जब मैं सेवन्थ एट्थ क्लास में था तब तक मेरे को भी नहीं पता था, बट मेरे अंदर मतलब स्कूल्स में ऐसे मजाक उड़ाते थे, मतलब होते एक दो बच्चे जो कि मतलब टर्बन पहन के आते थे तो ऐसे मजाक उड़ाते थे, तो मैंने एक बार सोचा यार एक बार सर्च करके देखते, किसी से पूछ के देखते, तो मैंने टीचर से पूछा, तो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ यार, कहीं डांट के चमका के भगा ना दे, बट मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मेरे सामने एक जो स्टोरी निकल के आई वो एकदम बहुत ज्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए। और प्लीज भाई वो सब भी तुम जाके देखना, आगे बढ़ते भाई। ਕੱਲਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓ ਕੰਦਿਆਂ ਸੇ ਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂਓ ਕੇਸ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਐਸੀ ਡੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰ ਸੀਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਬਣ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ये सुधीर चौधरी है ना जो डीएनए में आता था, मेरे ख्याल से अब इन्होंने छोड़ दिया है डीएनए, शायद रिटायर हो गया। बार बार बैठ के जनानियां ना करते आ चुगलियां ते शूद नाम रखते आ चज दा विचार शाम ते सवेरे पाल दे विवाद ने ऐवें तेरे नाल करदे फसाद ने 24 घंटे नाले निंद ते पराउणे नूं नाले ओ मानना तो पड़ेगा भाई। पाजी मतलब बहुत सही पॉलिटिशियन भी थे, उन्हें चीजें पता थी पॉलिटिक्स कैसे चलती है कैसे क्या होता है। रखी मेरी याद पुत्र आया बापू तेरा बड़ाया प्राउड तेरे ते तू दब गया दुनिया ने वहम पालिया उठ पुत झोटे आवे मूसे आलिया जे एवी रहा गीता विच सच बोलदा आउण वाली पीढ़ी एजुकेट मिलूगी। भाई यही लाइन एग्जैक्टली मैं पूरे जब से कम समझा रहा हूँ, यू कीप टेलिंग द ट्रूथ इन सच सॉन्ग्स, ठीक है, मतलब तू गानों में सच बोल रहा है, ठीक है, उससे आने वाली जो जनरेशन है वो एजुकेट मिलूगी, मतलब वो थोड़ी चीज़ें को समझेगी। अगर हम इस ट्रैक को अच्छे से समझें तो हमें बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलेगी। अगर तुम वो 12 बजे भी सर्च कर लोगे तो उससे भी तुम्हें नॉलेज मिलेगी, तुम्हें पता लगेगा कि आखिर वो चीज़ है क्या लिटरली। वाली पीढ़ी एजुकेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी भाई लिटरली। अलग ही लेगेसी इस बंदे की, अलग ही लेगेसी, और ये लेगेसी कभी खत्म भी नहीं होने वाली, टू बी ऑनेस्ट भाई नहीं होगी कभी खत्म। सो भाई ट्रैक का रिएक्शन तो होता है ख़त्म, और रिव्यू देने की मेरे को ज़रूरत है नहीं खैर इस ट्रैक में कि भाई गाना कैसा लगा, क्योंकि न्यू ट्रैक है भी नहीं, सब ने इसे अंधी बार लूप पे सुन रखा है, कितनी कितनी बार तो मैंने ही सुना है और बस यार दुख होता है भाई, वाई वाई ही इज़ गॉन, बस उस चीज़ का दुख होता है, बाकी तो और कोई बात नहीं है। ट्रैक सारे ऑसम रहते थे इनके, कभी मतलब कोई ट्रैक ऐसा नहीं लगा कि यार बेकार है ये वो। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अगर मैंने किसी के सेंटिम मतलब किसी के अगर मन को नुकसान पहुंचाया हो या फिर उसे हर्ट किया तो यार आई एम रियली सॉरी, ठीक है, बट हाँ यार वो मजाक मत उड़ाया करो, बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कि मैंने कहीं तक किसी रिलीजन का मजाक बनाया या फिर कुछ उल्टा बोला है, ठीक है, और अगर बोल दिया हो गलती से, अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैंने हर्ट किया तो आई एम रियली सॉरी, और बता देना भाई अगर कहीं पे मैंने हर्ट करा तो मैं यार मैं वीडियो पार्ट ट्रिम कर दूंगा, क्योंकि मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए कि मैं किसी के धर्म को लेके ऐसे वैसे बोल रहा हूँ। तो भाई आज के लिए बस वीडियो को इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।